हेलो hmm. सबसे पहले हम लोगों को अकाउंटिंग का मीनिंग समझना है अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ठीक है एंड इवेंट्स अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस का ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं ना ये ट्रांजेक्शन क्या होता है इवेंट्स क्या होता है बताएंगे कौन सा वाला ट्रांजेक्शन विच आर कंप्लीटेड इन एंड अकाउंटिंग पीरियड बस ठीक है तो अगर आप लोग ये समझ गए तो आप लोगों को अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा सो so, अकाउंटिंग का बेसिकली मीनिंग पूरा सिलेबस जो हंड्रेड मार्क्स का पेपर है वो इसी इसी दो लाइन पे टिका हुआ है अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग राइट जैसे मान लो हम सिंगर हैं तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे अपना गाना रिकॉर्ड करेंगे अगर हम कोई एक्टर हैं तो हम अपना शूट रिकॉर्ड करेंगे बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स रिकॉर्ड होता है तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हम लोगों को समझना पड़ेगा बिजनेस का मतलब मालूम है एनी ट्रेड कॉमर्स अपने बोलते हैं ना अपने ट्रेड कर रहे हैं किसी भी चीज़ का जैसे सपोज मान लो वाटर बॉटल बेच रहे हैं राइट right? बेच रहे हैं मतलब मैंने उसको एक मार्केट से खरीदे सस्ते पे है और दूसरे मार्केट में मैं उसको ज़्यादा में बेच रहा हूं तुम सेम आदमी से खरीद के उसी को ज़्यादा दाम में बेच सकता है क्या नहीं सो so बिजनेस के लिए दो मार्केट होना चाहिए एक बाइंग वाला मार्केट और एक सेलिंग वाला मार्केट राइट यू बाई फ्रॉम वन मार्केट एंड सेल इन दी अनदर मार्केट जो डिफरेंस होता है वही तुम्हारा प्रॉफिट होता है आमदनी जिसको अपने बोलते हैं कमाई अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ कहीं पर मैं जॉब करता हूँ तो जो मेरे को सैलरी मिलता है वही मेरा इनकम हो गया लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए उसको पहले सामान खरीदना पड़ता है फिर वो बेचता है तो ये एक एक्टिविटी हो रहा है ना सब एक्टिविटीज को ट्रांजैक्शंस बोला जाता है कहीं क्यों क्योंकि यहां पे एक मॉनिटरी एलिमेंट इन्वॉल्व है मैं पैसे देके खरीदता हूं मैं पैसे लेके बेचता हूं मैंने सौ रुपए में खरीदा मैंने डेढ़ सौ में बेचा तो पचास रुपए जो मेरे को आया दैट इज माय प्रॉफिट ठीक है अभी ये जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स होते हैं ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि इस बिजनेस में इतनी सारी एक्टिविटीज हुई है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस का मतलब समझ में आ गया एनी ट्रेड कॉमर्स जो प्रॉफिट के लिए किया जाता है हम लोग प्योरली यहां पे प्रॉफिट कंसर्न का भी बात कर रहे हैं गॉट माई पॉइंट सो बिजनेस का मतलब हो गया एनी ट्रेड कॉमर्स जो प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है मतलब वी आर बाइंग फ्रॉम वन मार्केट एंड सेलिंग इन टू अनदर मार्केट वी कैनोट बाय एंड सेल इन द सेम मार्केट इट इज़ नॉट पॉसिबल तो मेरे से ख़रीद के अगर मेरे कोई बेच दिया वो सामान तो हम तुमको मानेंगे कि तुम में एक्चुअल में कोई कला है बट वो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल बहुत लोग क्या करते हैं विदेश मार्केट से इंपोर्ट करते हैं फिर इंडिया में बेचते हैं गॉट माई पॉइंट समझ में आ रहा है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कहीं और हो रहा है बिक कहीं और रहा है खुद मैन्युफैक्चर करके खुद अपने आप को बेचेंगे क्या नॉट पॉसिबल दैट इज नॉट बिजनेस सो बिजनेस मतलब ही टू मार्केट आर इन्वॉल्व एक बाइंग मार्केट होता है तुम्हारा वो तुम पूरा कंप्लीटली उसको छुपा के रखते हो किसी को बताते भी नहीं हो इनफैक्ट सप्लायर से जब डीलिंग्स करना रहता है तो डायरेक्टली तुम ही डीलिंग करते हो राइट तो यू बाई फ्रॉम वन मार्केट एंड सेल इन टू दी अनदर मार्केट जो डिफरेंस होता है जो एक्सचेंज वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही तुम्हारा प्रॉफिट है सिंपल अभी तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इस बिजनेस में ये सब एक्टिविटीज हुआ है राइट right? जैसे हमारे यहां पे इतने सारे बच्चे फीस दे रहे हैं तो हमको कैसे मालूम रहेगा कि व्हाट इज़ माय टोटल कलेक्शन बहुत लोग कैश पेमेंट किए होंगे बहुत लोग ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो ऑनलाइन पेमेंट किया तो हमारे बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा वो तो बैंक का पासबुक से मालूम पड़ जाएगा ये सब पैसा हमारे पास में आया है दीज आर आवर इनकम्स अब हमारा खर्चा क्या क्या है हमने फिक्स्ड एसेट खरीदा ये कंप्यूटर खरीदा तो उसका एक परचेज बिल होगा हमने ये प्रोजेक्टर खरीदा उसका एक परचेज बिल होगा तो बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं वो सब फिजिकल फॉर्म में तुमको दिखाई देंगे उन सब फिजिकल फॉर्म में जो भी है उनको तुमको अकाउंटिंग शेप देना है कि क्या आया क्या गया नेट में क्या बचा आज तुम हजार बार खरीद रहे हो लाख बार बेच रहे हो तो हजार बार जो खरीदे उसका टोटल करो लाख बार जो बेचे उसका टोटल करो डिफरेंस इज योर प्रॉफिट अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो राइट सो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सब फिजिकल फॉर्म में होते हैं जैसे मैं यहां का अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करूंगा तो सी मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजेगा राइट right? मैंने कंप्यूटर खरीदा तो उसके लिए मेरे पास एक परचेज बिल है तो हर जगह कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक फिजिकल डॉक्यूमेंट है उस फिजिकल डॉक्यूमेंट में मॉनिट्री एक्सचेंज वैल्यू लिखा है कि इसकी कीमत यह लगाई गई है गॉट माई पॉइंट उसी को हमको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले तुमको समझना होगा कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक्चुअली किस फॉर्म में होते हैं अगर तुम बुक में देखोगे तो बुक में लिखा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच मनी इज इन्वॉल्व बकवास बात है अगर कोई मेरे को पूछेगा व्हाट इज ट्रांजैक्शन व्हाट इज इवेंट तो मैं तो सिंपली बोलूंगा ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है दैट इज डॉक्यूमेंटेड थ्रू अ फिजिकल वाउचर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हर चीज़ का अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा बैंक लोन एग्रीमेंट बनाएगा मेरे को सैंक्शन लेटर देगा उससे मेरे को मालूम पड़ेगा मेरा एनुअल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है हाउ मच बैंक हैज़ गिवेन अस राइट किसी को अगर मैं रेंट ले रहा हूं

जो बुक ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आजकल तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो गया सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूज किया जाता है कॉमनली रिनाउम्ड सॉफ्टवेयर जो हमारे इंडिया में जो प्रिवेल करता है विच इज टैली राइट टैली के माध्यम से टैली का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अगर आपको कोई भी पूछे राइट सिंपल बोलिएगा बिजनेस मतलब एनी ट्रेड कॉमर्स विच इज फॉर अ प्रॉफिट बाइंग फ्रॉम वन मार्केट सेलिंग इन टू द अनदर मार्केट तो ये प्रॉफिट कितना हुआ अगर मैंने एक बाई किया है एक सेल किया है तो इजीली मेरा प्रॉफिट आ जाएगा लेकिन मैंने हजारों परचेस किए लाखों सेल किए तो मेरे को अकाउंटिंग करना पड़ेगा गॉट माई पॉइंट मेरे मेरे बुक्स में इस टाइप के इक्विपमेंट्स भी है जिसकी मदद से मैंने सर्विस प्रोवाइड किया है इनको हम लोग फिक्स एसेट बोलते हैं ऐसा चीज जिसको आप यूज करके कमा रहे हैं एक होता है हम इसको बेच के कमा रहे हैं इसको खरीदा इसको बेचा कमाया एक होता है कि हम ये जो ये जो टैबलेट आप देख रहे हैं ये जो कंप्यूटर देख रहे हैं जो प्रोजेक्टर देख रहे हैं इसकी मदद से मैं ऑनलाइन भी पढ़ा पा रहा हूं आप लोग भी मेरा बोर्ड फिजिकली भी देख पा रहे हैं तो इट इज हेल्पिंग मी इन प्रोवाइडिंग सर्विस ना मैं आपको प्रोजेक्टर बेच रहा हूँ क्या यहां पर कंप्यूटर बेच रहा हूं नहीं तो इन सब का भी अकाउंटिंग हम लोगों को सीखना है एक हो गया ऐसा गुड जिसको बेचने के लिए खरीदा गया एक हो गया ऐसा गुड जिसको हम लोग यूज करते हैं कमाने के लिए तो अकाउंटिंग में आप देखेंगे काफी सारा चीज का अकाउंटिंग आप लोग सीखेंगे गुड्स का अकाउंटिंग सीखेंगे जिसको अपने बोलते हैं इन्वेंट्री अकाउंटिंग फिक्स्ड एसेट का अकाउंटिंग सीखेंगे राइट ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है तो वही सब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ये सारे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स सबके सब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में होते हैं राइट right? इन सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में मनी एक्सचेंज वैल्यू दिया गया है हमेशा आप देखेंगे एक मनी का एक्सचेंज वैल्यू मैंशनड होता है तो सर हम ये भी बोल सकते हैं ट्रांजेक्शन मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज होता है यस और नो तो आज मैं बाई कर रहा हूं मैंने गुड्स खरीदा बदले में मैंने पैसे दिए मैं बेच रहा हूं एक्सचेंज ऑफ गुड्स उसमें बदले में मेरे को पैसे मिले हैं राइट सो ट्रांजेक्शन मतलब एक्टिविटीज जो बिजनेस करती है जनरली ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में होते हैं

इनको हमको एक अकाउंटिंग शेप देके इस बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है राइट right? तो ये रिकॉर्डिंग हम लोग किस लिए कर रहे हैं वाई वी आर डूइंग दिस रिकॉर्डिंग टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस हमको बिजनेस का परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है क्या करना है बिजनेस का परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है परफॉर्मेंस का मतलब होता है एक होता है नेट प्रॉफिट निकालना है और दूसरा होता है हमको मेरा औकात मालूम करना है फाइनेंशियल पोजीशन तो ये जो प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की मदद से निकालते हैं और हम लोग को जो मेरा औकात मालूम करना है वो मेरे को बैलेंस शीट से मालूम पड़ेगा तो अल्टीमेटली हम ये जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरा मकसद क्या है इस रिकॉर्डिंग का मेरा मकसद यही है हमको इस बिजनेस का परफॉर्मेंस निकालना है जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम होता है रिपोर्ट कार्ड आता है आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस उसी में होता है कि बच्चे ने ये तीन महीने में कैसी पढ़ाई की है बच्चा क्लास में अटेंटिव था कि नहीं तो एक बिजनेस का परफॉर्मेंस इन दो चीज़ से मालूम पड़ता है सर अगर मैंने परफॉर्मेंस निकाला स्कूल के बच्चों का परफॉर्मेंस निकाल के किसको कम्युनिकेट किया जाता है पीटीएम होता है तुम लोगों का पेरेंट टीचर मीटिंग हाँ होता है ना जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होता है उसके बाद एस होता है घर पे आने के बाद स्टूडेंट पेरेंट मीटिंग उस एसपीएम में घर का झाड़ू मोगरी राइट right? और भी अलग अलग चीजों से हमारा आदर सत्कार किया जाता है घर पे राइट right? तो सबसे पहले क्या होता है पीटीएम होता है उसके बाद एसपीएम होता है तो बिजनेस का ये जो परफॉर्मेंस हम लोगों ने निकाला राइट right? ये बिजनेस की जो परफॉर्मेंस निकाली ये किसको बताएंगे हम स्टेक होल्डर्स को बताएंगे वेरी गुड किसको बताएंगे हम लोग स्टेक होल्डर्स नाउ इन शॉर्ट हु आर दी स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज सर हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड कौन कौन है सबसे पहला आदमी जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होता है वो आपका होता है ओनर उसी का पैसा लगा है उसी का खून पसीना मेहनत है तो हम वो खुद देखना चाहता है कि भैया हम जो सुबह आठ बजे से लेके आठ बजे तक जो मेहनत कर रहे हैं हम क्या लेके आ रहे हैं घर पे राइट ओनर वॉन्ट टू एनालाइज दूसरा भारत सरकार गवर्नमेंट गवर्नमेंट को चाहिए टैक्सेस जिसे कि सरकार चलेगी राइट right? गवर्नमेंट को किससे मतलब है आपके टैक्सेस से मतलब है कि आपने जो कमाया उसका एक हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कुंदू गवर्नमेंट को गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रही है मुफ्त इलाज मुफ्त में एडुकेशन आपके बच्चों के लिए अच्छी सड़कें जिसमें एक भी गड्ढा नहीं होगा प्रॉपर वाटर सप्लाई बिजली बिल सरकार देगी राइट ऐसे अन्य मतलब अनगिनत वादे सरकार हमसे करके रखी है अब उसमें से आप लोग भली बात ही जानते हैं कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है सरकार जो भी टैक्सेस कलेक्ट करती है हम लोगों से किसी आदमी को स्पेसिफिकली बेनिफिट नहीं देती तुमने दो करोड़ का टैक्स दिया है तुम्हारे घर के बाहर के गलियों में मैं सोना लगवाऊंगा तुमने दो रुपए का टैक्स दिया तुम्हारे लिए मैं ऐसे नहीं होता एनी टैक्सेज विच यू पे टू द गवर्नमेंट विल नॉट कन्फर यू डायरेक्ट बेनिफिट बट बेनिफिट विल बी टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज सरकार आपके टैक्सेस के रुपए से आपको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री एडुकेशन फ्री ट्रांसपोर्ट फ्री हाउस सब कुछ देगी कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज में टैक्सेस का रेट होता सत्तर परसेंट मतलब अगर हम कमाएंगे सौ सत्तर रुपया हमको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को वहां की सरकार रहने के लिए घर बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रॉपर शिक्षा बूढ़े मां बाप का इलाज के लिए हॉस्पिटल्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्री सब कुछ फ्री तो जो नेट तीस परसेंट मेरे को बचा टैक्स देने के बाद उससे मेरे को क्या करना है खाली घूमना फिरना है तो वहां के लोग देते भी हैं हम लोग यहां पे थर्टी परसेंट पे करते हैं हमारे इनकम से गॉट माइ पॉइंट तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड गवर्नमेंट ये देखना पसंद करेगी कहीं आपने मैन्युपुलेट तो नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए गवर्नमेंट बहुत बार ऑडिट करवाने बोलती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स ऑडिट क्या बोलते हैं उसको करेंगे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही बट गवर्नमेंट बोलती है हमारे लिए ऑडिट करिए एक होते लेंडर्स बहुत लोग अपना पैसा से धंधा नहीं करते दूसरों के पैसे से धंधा करते उनको हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है तो लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि कंपनी सफिशियंट प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं मेरा ब्याज चुकाने के लिए राइट right? सप्लायर्स जो हमको उधार में माल सप्लाई कर रहे हैं राइट right? एम्प्लॉज भाई हमारे यहां पे जो काम कर रहे हैं ये दे मस्ट बी सेटिस्फाइड इनको अगर हमारे बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं दिखाई देगा इनको अगर हमारे बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं दिखाई देगा तो क्यों लगाएंगे ये लोग पैसे हमारे बिजनेस में सोच के देखो सो देअर मस्ट बी सम ग्रोथ फैक्टर तो ऐसे कई सारे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये कंपनीज केस में होता है कंपनीज केस में क्या होता है केस ऑफ कंपनीज नाउ व्हाट इज दिस कंपनीज अलग अलग फॉर्म ऑफ एंटिटी होता है मैं अकेला धंधा करूंगा मैं ही पैसे लगाऊंगा मैं ही सारा काम करूंगा सब कुछ मैं ही करूंगा इसको बोलते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप हम लोग तीन दोस्त मिलके करेंगे इसको बोलते हैं पार्टनरशिप और जब हौसला बुलंद हो सपने बड़े हो तब कंपनी आती है मतलब हम एक्सपैंड करना चाहते हैं हमारी जो पूंजी थी हमने सब लगा दी अभी हमको और पैसों की दरकार है सर आप लोन ले लीजिए नॉट पॉसिबल क्योंकि बैंक भी एक सर्टेन डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉलो करता है अगर आप अपना दस रुपया लगाएंगे तो बैंक आपको मैक्सिमम बीस रुपया देगी टू इज टू वन का रेशियो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम है अलग अलग कंट्रीज में भी ये रेशियो चेंज होती रहती है राइट right? तो अगर हमको और रुपए की दरकार है तो हम कंपनी बनाएंगे क्या करेंगे हम अपना कंपनी का ओनरशिप बाजार में बेचेंगे हाल ही में शार्क टैंक इंडिया आया था उन लोगों ने फंड रेस किया थ्रू इश्यू ऑफ शेयर कि हम हमको आपकी कंपनी में एक परसेंट का स्टेक देंगे बदले में हमको एक करोड़ रुपया चाहिए मतलब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन थी सौ करोड़ ना हाउ द कंपनी अराइव की इसकी वैल्यूएशन सौ करोड़ है सिंपल चीज सोचो सपोज करिए मेरा एनुअल इनकम है दस करोड़ एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज टेन परसेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिंपल कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने बचपन में परपेच्युटी बोल के सुना होगा अगर मेरा एनुअली दस करोड़ का इनकम है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट मतलब किसी भी धंधे में पैसे लगाइए आप दस परसेंट कमा लीजिएगा किसी भी धंधे में पैसे आप पैसे लगाइए आप दस परसेंट इजीली कमा लीजिएगा तो दस करोड़ अगर मेरा एनुअल इनकम है और दस परसेंट अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सालाना मेरे को दस परसेंट मिलेगा सो दैट टेन परसेंट इज दिस टेन करोड़ तो हाउ मच इज हंड्रेड परसेंट हंड्रेड करोड़ सिंपल वे टू कैलकुलेट कंपनी वैल्यू हमको 10 करोड़ मेरा एनुअल इनकम है मैंने कहीं पे पैसे लगाए वहां से मेरे को 10 प्रतिशत का मुनाफा आ रहा है सो दैट दर्सेंट इज करोड़ सो हाउ मच विल बी 100 परसेंट हंड्रेड करोड़ अगले साल फिर मैं वो सी सौ करोड़ से धंधा करूंगा वापस से दस करोड़ कमाऊंगा तो इस तरीके से मेरा टोटल कंपनी का वैल्यूएशन हो गया सौ करोड़ मैं आपको एक परसेंट इक्विटी बेचता हूं एक करोड़ के लिए या मैं आपको 20 परसेंट इक्विटी बेचूंगा 20 करोड़ के लिए जितना मेरे को मार्केट से फंड रेज करना है सिंपल कोई झमेला ही नहीं है इसमें क्योंकि कैपिटल है तो मुनाफा है बिना पेड़ के कभी आम खाए हो भगवान ऊपर से फेंकता है बादलों से नहीं पेड़ उगाते हैं उसको सींचते हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन करते तब आपको आम मिलता है तो धंधा भी वैसा ही है रकम लगाओ उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करो जमीन खरीदो उसमें बिल्डिंग बनाओ वहां पे प्लांट एंड मशीनरी लगवाओ रॉ मेटेरियल खरीद के उसका प्रोडक्शन करो उसके बाद बेचो तो आपको पैसे आएंगे यस और नो तो विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट देर इज नो रिटर्न तो अगर आपको धंधा बढ़ाना है तो आपको और रुपया चाहिए और रुपया आप कैसे लेंगे आपके पास तो जो था आपने लगा दिया बैंक आपको उतना देगा नहीं डेप्टिटी रेशियो तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में जाते हैं जहां पे अधिकतर शेयर आप अपने पास रखते हैं बाकी शेयर आप मार्केट में बेचते हैं एक परसेंट के लिए इतना रुपए तो वो उसके लिए आपको कंपनी का वैल्यूएशन कराना पड़ेगा आप देखेंगे कि कंपनी फ्यूचर में कितना कमाएगी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम है उससे आपका कंपनी का वैल्यूएशन आ जाएगा 51 आप अपने पास रखेंगे कंपनी का मेजर होल्डिंग हम अपने पास रखते हैं बहुत लोग मार्केट में 70 परसेंट भी अपने पास रखते हैं इसको अपने बोलते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग क्या बोलेंगे इसको अपन प्रमोटर्स होल्डिंग बाकी 30 परसेंट हम आम जनता में देंगे तो डिपेंड करता है आपको कितना रुपया मार्केट से उठाना है तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी में जाते हैं तो इन केस ऑफ ऑफ कंपनी फॉर्म एंटिटी किसी के पास में एक परसेंट है किसी के पास में दो परसेंट है किसी के पास में तीन परसेंट है और एक आदमी ऐसा है जिसके पास में सत्तर परसेंट शेयर है कंपनी का मेजोरिटी कंट्रोल उसके पास में लेकिन कंपनी को चलाएगा कौन तो कंपनी को ओनर्स नहीं चलाते अलग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाता है कौन होते हैं ये लोग ये लोग ऐसे आदमी होते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं रिलायंस है मैंने रिलायंस का प्रोडक्शन मैनेजर को हायर कर लिया इस कंपनी से इसका मार्केटिंग मैनेजर को हायर कर लिया उस कंपनी से मतलब अपने अपने फील्ड में लोग एक्सपर्ट हैं इनको हायर करके मैं इनको डायरेक्टरशिप देता हूं कि आप चलाइए मेरी कंपनी तो इन डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा इनका जो रेम्यूनरेशन होता, होता है ये कंपनी का प्रॉफिट्स पे बेस्ड होता है दैट इज वाई दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड सोल प्रोप्राइटर में तो मैं जो बोल दिया मैं जो सोच लिया वही काफी है यहां पे सबकी सहमति लेनी पड़ेगी बोर्ड में जितने भी मिनिमम आप लोग कंपनी लॉ पढ़ेंगे राइट right, उसमें मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितना रखना पड़ेगा आपको वो सब कुछ समझ में आएगा तो सबकी सहमति लेनी पड़ेगी सहमति से फिर काम आगे बढ़ेगा तो सर हमको अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया अकाउंटिंग में हम करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ये ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज बिजनेस का मतलब मैंने बता दिया एनीथिंग ट्रेड कॉमर्स विच इज फॉर अ प्रॉफिट बाई फ्रॉम वन मार्केट सेल इन टू नदर मार्केट एकदम क्लियर है तो इन्हीं सब ट्रांजैक्शन इवेंट्स को ये सारी एक्टिविटीज आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में पाई जाएंगी इनको आपको अकाउंटिंग शेप देना है सारे डॉक्यूमेंट्स में आप कहीं ना कहीं एक मॉनिटरी एक्सचेंज वैल्यू देखिएगा कि मैं आपको ये कंप्यूटर बेच रहा हूं उसके लिए मैं आपसे साठ ले रहा हूं अच्छा कंप्यूटर विद प्रिंटर है सत्तर अच्छा दो एक्सटेंशन कॉर्ड भी है हजार जितना ज्यादा आप सामान लेंगे एक्सचेंज वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी जिससे आप खरीदते हैं सामने वाला वो एक्सचेंज वैल्यू आपको कोट करता है अगर आपको पसंद आए तो उससे लीजिए नहीं तो आगे बढ़िए दूसरे दुकानदार से ले लीजिए सेम चीज एक कंपनी ब्रांडेड कंपनी उसको दस हजार रुपए में बेच रही है सेम चीज दूसरी कंपनी सात हजार में बेच रही है आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लेंगे ब्रांडेड लेंगे, लेंगे? कि अनब्रांडेड लेंगे हालांकि काम दोनों एक ही करेगा एक ट्रस्ट फैक्टर राइट right? तो कस्टमर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग योर परफॉर्मेंस एवरीवन वांट्स टू गेट एसोसिएटेड विद गुड ब्रांड नेम सभी का सपना है मर्सिडीज गाड़ी लेना हालांकि उसमें बैठेंगे पांच जन ही कोई मर्सिडीज का गाड़ी ले लोगों तो बीस जन को नहीं बैठा पाओगे राइट सो दीज आर दी पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग योर परफॉर्मेंस ज दैट फाइन हा सो बिजनेस में हम लोग को क्या करना है अकाउंटिंग में हम लोगों को सिंपल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस की सारी एक्टिविटीज जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में है हर एक डॉक्यूमेंट में हर एक एक्टिविटी में आपको कहीं ना कहीं मॉनिटरी एक्सचेंज वैल्यू दिखाई देगा तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ट्रांजेक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेस और रिसोर्सेस यस और नो उसमें मॉनिटरी वैल्यू इज मैंशन मनी का फैक्टर इज देयर राइट ये रिकॉर्ड करके क्या करेंगे अल्टीमेटली अपने को बिजनेस का परफॉर्मेंस निकालना नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल पोजिशन राइट निकाल कर क्या करेंगे स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाएगा कम्युनिकेट इज द वर्ड कम्युनिकेट टू स्टेक होल्डर्स इसीलिए आप लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज बहुत जन अकाउंटिंग को लैंग्वेज भी बोलता है अकाउंटिंग को एक लैंग्वेज भाषा का प्रयोग हम लोग हमेशा कम्युनिकेशन के वक्त करते हैं राइट इन स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट किया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली विल टेक देयर डिसीजन कि हमको एक साल हो गया है या दो साल हो गया है इस बिजनेस से एसोसिएटेड राइट अभी हम इससे आगे एसोसिएट हों कि नहीं हो दिस स्टेक होल्डर्स विल टेक डिसीजन वेदर दे वॉन्ट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस रिलेशनशिप विथ ऑस नॉट बेस्ड ऑन दीज फाइनेंशियल तो हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे उसको शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली स्टेक होल्डर्स ल टेक डिसीजन वेदर दे वॉन्ट टू कंटिन्यू और नॉट सिंपल वैन यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप आप एनालाइज करते कि इससे मेरा निभेगा कि नहीं निभेगा तो आगे कंटिन्यू करो नहीं तो टाटा बाय बाय सप्लायर बोलेगा भैया हो गया हमारा पैसा दे दो हमको अब हम चले इज दैट फाइन एंप्लॉइज लोग रेजिग्नेशन दे देगा भाई तुम्हारी कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही मेरे को क्या फायदा होगा अब आते हैं कि ये बनेगा कैसे अकाउंटिंग का मतलब बता दिया ट्रांजैक्शंस, फिजिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके प्रॉफिट निकालेंगे राइट right? प्रॉफिट निकालेंगे किस लिए इनको बताना है इनको क्यों बताना है इनको डिसीजन लेना है अब बात करेंगे हम लोग प्रोसेस का कि ये बनेगा कैसे नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रोसेस कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे इसका प्रोसेस समझना होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अल्टीमेटली आपको करना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ही है फ्रेंकली स्पीकिंग जो भी आप लोग सीखेंगे फाउंडेशन में थ्योरी में अल्टीमेटली आप जाएंगे प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया जाता है तो ये जो प्रोसेस है हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग का प्रोसेस सीखेंगे हमारी क्लासेस में बट रियल लाइफ में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है क्लियर सो अकाउंटिंग में क्या क्या होता है बता दिया रिकॉर्डिंग होता है रिकॉर्ड करके पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे कम्युनिकेट करेंगे जिससे कि वो लोग डिसीजन ले पाए अभी हम लोग को सीखना है प्रोसेस प्रोसेस मैं बताऊंगा बट उसके पहले दो बात और बताना है ये इवेंट्स क्या होता है सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ये इवेंट्स किसको बोला जाता है फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दीज इवेंट्स इवेंट्स क्या होते हैं अगर आप लोग प्लस टू में देखेंगे इलेवन ट्वेल्व में इवेंट्स मतलब अलग ही डेफिनेशन दिया जाता है एंड मैक्सिमम लोगों को यही मालूम है कि इवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है तो सबसे पहला टैगलाइन मेरा यही है इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिमाग से निकाल दो सर बचपन में पढ़े ऑल इवेंट्स आर ट्रांजेक्शन बट ऐसा था ना ऑल ट्रांजेक्शन इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन दिमाग से निकाल दो दिस इज नो मोर प्रिवेलिंग मतलब ही नहीं अपन को इस चीज से माथाइच नहीं लगाना है एकदम दिमाग में ही नहीं डालना है इवेंट्स रिकॉर्डेड होते हैं इवेंट्स का क्या मतलब होता है मैंने परचेस किया एक लाख रुपए में ठीक है मैंने फिर इसको सेल भी कर दिया दो लाख रुपए में मैंने सैलरी पे किया एक बंदे को रखा था ये काम करने के लिए दस हजार हमारा कितना प्रॉफिट हुआ नब्बे हजार इसी को इवेंट बोलते हैं इवेंट का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इन सारे ट्रांजेक्शन का आउटकम अरे सर यही तो निकालना है इसी को अगर नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो फिर कम्युनिकेट क्या करिएगा सोच के देखो इसी को अगर कम्युनिकेट नहीं करिएगा यही तो निकालने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आज के बाद अगर कोई बोले तो सिंपली उसको बोलना भैया ट्रांजेक्शन हो गया बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेस रिसोर्सेस एंड सारे एक्सचेंज में एक मॉनिटरी वैल्यू होता है मनी का फैक्टर इज देयर अब जब हम इनका आउटकम निकालेंगे मतलब नेट प्रॉफिट जब निकालेंगे तो हमारा इवेंट्स जन्म लेगा विच इज दिस प्रॉफिट तो रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, आउटकम ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज इवेंट्स सो प्रॉफिट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट सो इवेंट्स आर आल्सो रिकॉर्डेड एक और एग्जाम्पल है इवेंट्स का सपोज करिए हमने गुड्स खरीदा हमने दस पीस खरीदा है हजार रुपए करके सो मेरा परचेज कॉस्ट कितना हुआ दस हजार हमने सेल किया है आठ पीस दो हजार करके सोलह हजार तो सबसे पहले बच्चों आप मेरे को बताइए हमारा प्रॉफिट कितना हुआ सेल माइनस परचेस लेकिन ये वाला मैच होना चाहिए इस परचेस को हम मैच करेंगे मैच मतलब एक बात बताइए जो हमारे पास दो पीस बच गए हैं क्या आप उसको फ्यूचर में नहीं बेच पाएंगे क्या आप उसे फ्यूचर में नहीं कमाएंगे आपने पैसे उसके पहले ही भर दिए हैं कमा पाइएगा ना तो इफेक्टिवली देखा जाए आपका इनकम है आठ पीस का तो खर्चा भी आपको यहां पे आठ पीस का लेना है तब जाके अगर मैं मछली बेच रहा होता भेट की माच, तो कल नहीं बेच पाऊंगा उसको मैं पुचका बेच रहा हूं एक किलो आलू बच गया कल नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा आधा टंकी पानी बचा हुआ है फेंकना पड़ेगा उसको तो जो चीज कल इस्तेमाल नहीं हो सकता उसमें पूरा परचेस कॉस्ट लिया जाएगा लेकिन मैं तो ये नॉर्मल एक एक्सेसरी हेडफोन बेच रहा हूं कल भी बेच सकता हूं इसको राइट right? तो इसीलिए मैं दो पीस को कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो मेरा हिसाब से आठ हजार रुपया प्रॉफिट हो गया अभी जो मेरा दो पीस बच गया उसको मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक कितना दो पीस हजार करके दो हजार सो क्लोजिंग स्टॉक इज आल्सो इवेंट रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दस खरीदा आठ बेचा तो दो बच गया सो प्रॉफिट भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं दोनों ही रिकॉर्ड होता है सो दीज टू आर दी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इवेंट का मेन मतलब क्या है ट्रांजेक्शन तो समझ में आ गया हमने कुछ बेचा कुछ सर्विस प्रोवाइड किया कुछ खरीदा मॉनिटरी वैल्यू है वो मेरा ट्रांजेक्शन है राइट यस और नो इवेंट्स क्या होते हैं इन सब ट्रांजैक्शन का आउटकम नाउ जब मैं आउटकम का बात कर रहा हूं मतलब मैं एक बार फुल स्टॉप लगा रहा हूं कहीं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आउटकम ए अभी तक का टोटल कर तो मैं फुल स्टॉप लगा रहा हूं ना अभी तक का टोटल कर वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा जो इस साल का है वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जो इस साल का है कहने का मतलब है हम जो भी बिजनेस करते हैं टाटा कितनी बड़ी कंपनी है कितने सालों से चल रही है सपोज मान लो आप एक स्कूल में एडमिशन ले लिए आपको मैम पढ़ाई जा रही है पढ़ाई जा रही है पढ़ाई जा रही है कोई पीटीएम हो ही नहीं रहा है बच्चा को भी मजा आ रहा है दस साल बाद कुछ सीखा ही नहीं वो क्योंकि रेगुलर इंटरवल में देर वॉज नो टेस्ट नो पीटीएम तो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड का परफॉर्मेंस निकाल के एनालाइज करके आगे उस गलती को सुधारना है और आगे बढ़ना है आप खरीदे जा रहे खरीदे जा रहे खरीदे जा रहे खरीदे जा रहे बेचे जा रहे बेचे जा रहे बेचे जा रहे बेचे, बेचे, बेचे फायदा क्या है इस साल में क्या खरीदा इस साल में क्या बेचा ये बता क्योंकि बिजनेस तो सदा सदा बाहर चलेगा आज मैं नहीं तो कल मेरा बेटा नहीं तो उस फिर उसका बेटा ऐसे ही तो चल रहा है सो बिजनेस विल गो ऑन ईयर आफ्टर ईयर बिजनेस सदा बाहर चलेगा बट देयर हैज टू बी फुल स्टॉप बिजनेस बंद नहीं करने बोल रहा हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स बदल दो अप्रैल में स्टार्ट होगा अगला साल मार्च में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये वाला बंद हो गया अप्रैल से फिर नया बुक्स इस साल को फाइनलाइज करो तो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जो इस साल का है इसीलिए तो इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस साल में ये दो पीस हमने नहीं बेचा इसलिए कैरी फॉरवर्ड करो अगले साल बेचेंगे इससे अगले साल कमाएंगे इसीलिए इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अगर इस साल इसको नहीं बेच पाए इससे अगले साल भी नहीं कमा पाएंगे पूरा का पूरा खर्चा दिखा देंगे पेरिशेबल आइटम है तो हर एक टाइम पीरियड में आपको रोकना पड़ेगा तो अकाउंट्स में ये जो अकाउंटिंग पीरियड होता है जो टाइम फ्रेम होता है ये 12 महीने का होता है 12 मंथ्स ये जो टाइम पीरियड होता है ये बारह महीने का होता है ट्वेल्व मंथ्स बारह महीने का परफॉर्मेंस निकालो फिर अगला बारह महीने का फिर निकलेगा तो इस साल मैं जब बोलूंगा ना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, तो तू मेरे को पूछना सर करेंट ईयर का ना इस साल का ट्रांजैक्शन इस वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा पिछला वाला पिछले में आ चुका आने वाला आने वाले में आएगा तो जो इस साल का इनफ्लो आउटफ्लो तुम उससे मतलब रखो फ्यूचर में इतना कमाएंगे उससे मेरा क्या घर भर जाएगा पेड़ भरेगा अभी क्या कमाइए वो आमदनी पे बेसिस पे खर्चा करो टुडे द पोजीशन इज दिस बैंक से भी लोन लेने जाओगे ना तो बैंक वाला क्या बोलेगा करेंट पीएल बैलेंस शीट दिखाइए सर मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है लोन दे दीजिए आप मेरे को नहीं चलेगा वो भी देखेगा आपने पास्ट में क्या किया है उसी के बेसिस पे वो आप अच्छा पास्ट में भी वो पिछले तीन साल का एवरेज देखता है तो आपको एक टाइम पीरियड कहीं ना कहीं फिक्स करना ही पड़ेगा अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू डू अकाउंटिंग हर तीन महीने में स्कूल में परीक्षा होती है दे फिक्स अ टाइम फ्रेम पहला तीन महीने में जो पढ़ाया गया वो अभी पूछा जाएगा और एक फाइनल एग्जाम होता है उसमें पूरे साल का पूछा जाएगा गॉट माई पॉइंट सो अकाउंटिंग मतलब बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज है रिसोर्सेज है जिसमें मॉनिटरी वैल्यू दिख रहा है आपको बदले में हमको पैसे मिलेंगे या पैसे देने पड़ेंगे सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में होते हैं उनको ट्रांजैक्शंस बोला जाता है उसी को हमको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है वही फिजिकल वाउचर रिकॉर्ड होगा जो इस साल को पर्टेन करेगा इस साल से रिलेटेड होगा पिछला वाला पिछले में आएगा आने वाला तो अभी तक हुआ ही नहीं है आ आएगा। मतलब अगर मान लो हम तीन साल का भाड़ा एक साथ दे दें, इस साल खर्चा कितना दिखाओगे एक साल का ही दो साल का कैरी फॉरवर्ड होगा मैंने दस खरीदा इस साल आठ ही बेचा है तो परचेज खर्चा कितने का आएगा आठ का आएगा क्योंकि मैचिंग करके दिखाना है बाकी दो कैरी फॉरवर्ड होगा तो अगर ये टाइम पीरियड नहीं होता तो इज इट पॉसिबल बताना कि क्या मेरा खर्चा है क्या कैरी फॉरवर्ड होगा बताओ नहीं ना मैं अभी आपको और एग्जाम्पल दिखाऊंगा इसका क्लियर सभी को सो so अगर कोई पूछेगा तो बोलना भैया रिकॉर्ड करते हैं हम लोग इसमें इवेंट्स को ट्रांजैक्शंस दोनों को अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में आदान प्रदान होता है गुड्स का सर्विसेज का रिसोर्सेस का हर एक आदान प्रदान में एक मॉनिटरी वैल्यू इन्वॉल्व है गॉट माई पॉइंट सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं ये देखिए हमारा परचेज बिल ये देखिए हमारा सेल्स बिल ये देखिए हमारा बैंक स्टेटमेंट ये देखिए हमारा लोन अग्रीमेंट ये देखिए हमारा रेंट अग्रीमेंट सारे के सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स उनको हमको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है

प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक आर टू परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स अब प्रोसेस समझेंगे प्रोसेस कैसे निकालते हैं पीएल कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं फाइनेंशियल पोजीशन वो प्रोसेस में भी समझेंगे हम लोग राइट उसके पहले कुछ कुछ चीजों के बारे में हम लोगों को जानना है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना पड़ेगा जैसे ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने बता दिया मैंने आपको इवेंट्स के बारे में बता दिया ट्रांजेक्शन मतलब ऐसी एक्टिविटी लिख लेंगे आराम से ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस रिसोर्सेज हुआ जिसमें मॉनिटरी वैल्यू है ये सारे फिजिकल फॉर्म में होते हैं इनको हमको अकाउंटिंग शेप देके प्रॉफिट और बैलेंस शीट निकालना है इवेंट्स इन सारे ट्रांजेक्शन्स का जो आउटकम होता है उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं परफेक्ट टू एग्जाम्पल इज प्रॉफिट एंड क्लोजिंग स्टॉक दीज टू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इवेंट्स इज दैट फाइन अभी हम लोग कुछ कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे उसके पहले हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे आप देखिएगा काफी सारा आजम्शंस लेना पड़ता है आइडियाज होता है थॉट्स होता है कॉन्सेप्ट्स होता है इसके बिना अकाउंटिंग करना इज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल इनको बोला जाता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे मनीट्री वैल्यू कॉन्सेप्ट इसको प्यार से बहुत लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं अगर किसी बिजनेस एक्टिविटी में मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करेंगे मैंने किसी बच्चे को फ्री में पढ़ा दिया बोलो क्या करोगे इज इट क्या रिकॉर्ड होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मॉनेटरी एस्पेक्ट मिसिंग है मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया वो मेरे को बादा बाबा आदम जमाने का खिड़की वाला टीवी देखें खिड़की में भी पहले टीवी में ऐसे कवर लगता था ऐसे बंद करने से बंद हो जाता फिर चालू करके रिमोट से ऑन करना पड़ता था टीवी कैबिनेट में ऐसे कवर आता था वो टीवी दिया है मेरे को मैं उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहा हूं मॉनिटरी वैल्यू क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा अब मेरे को आप बताइए बाटर सिस्टम ट्रांजैक्शन है कि नहीं है बाटर सिस्टम है कि नहीं है ट्रांजैक्शन 100% परसेंट है बाटर सिस्टम ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ है आप मॉनेटरी वैल्यू भी निकाल पा रहे तीन किलो चावल के बदले में एक किलो दाल मिलेगा आ रहा है ना मॉनिटरी वैल्यू तो बाटर सिस्टम भी ट्रांजैक्शन होता है एग्जाम में पूछेगा इस बाटर सिस्टम में ट्रांजैक्शन तुम लोग बोलेगा मनी तो नहीं है अरे मनी नहीं है तो क्या हुआ सेटलमेंट हो रहा है ना मनी मतलब ऐसा नहीं कि मैंने तुमको एक्सचेंज किया बदले में पैसा आया ऐसा दूसरा कोई चीज मिल रहा है जिसका मैं मॉनिटरी वैल्यू निकाल सकता हूं इसलिए मनी नहीं लिखा मैंने मॉनिट्री वैल्यू कॉन्सेप्ट लिखा है मनी मे मे नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व तो बाटा सिस्टम भी ट्रांजैक्शन है कभी मत बोल देना किसी को बाटा सिस्टम ट्रांजैक्शन नहीं है तीन किलो चावल के बदले में एक किलो दाल मिलेगा है ना मॉनेटरी वैल्यू कैसे नहीं है भैया तो मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू है ऐसी एक्टिविटी जिसका मॉनेटरी एक्सचेंज वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे तो दिस इज दिच वीकन सेकेंड एजम्पन ये सारा एजामशंस हम लोग लिए हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोला हमने इन ऑर्डर टू मेजर क्या क्या निकालना है अपने को परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस

दूसरा जम्शन सर हम चाहते तो हम छह महीने में बनाएंगे आपका क्या चल जाएगा कोई कुछ कर लोगे सदियों से चलता आ रहा जम्सन है ये? अगर मैं तुमको बोलता ये चौबीस महीने का तो तुम वही सीखते तुम आगे भी वही सिखाते है ना अजम्पन है कि नहीं है सो मनीट्री वैल्यू कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने अभी क्या बताया तुमको कंपनी के केस में पैसा कौन लगाता है शेयर होल्डर बड़ा बड़ा जब डिसीजन लेना रहेगा तो शेयर होल्डर का भी सहमति लेना पड़ेगा वो बात अलग है बट बिजनेस का दिनचर्या कौन देख रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो ओनरशिप किसी और के हाथ में चला कोई और रहा है क्या सोल प्रोडक्टर में ऐसा होता है हा? तो इन केस ऑफ कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी लगेगा ओनर एंड इट्स बिजनेस आर डिफरेंट ओनर्स एंड इट्स बिजनेस डिस्टिंक्ट एंटिटीज हा या ना ओनर एंड इट्स बिजनेस आर डिस्टिंग एंटिटीज यस और नो दोनों एक है कि दोनों अलग अलग है दोनों अलग अलग है ना तो अपन जो ये रिकॉर्डिंग का बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन बिजनेस एक्टिविटीज बार बार अब मैं बिजनेस बिजनेस बोल रहा हूं क्यों अरे मेरे बच्चे का स्कूल फीस पेमेंट हुआ है सर वो आपका जब शेयर मिलेगा ना आपको बिजनेस से उसमें से आप दीजिएगा अगर बिजनेस से दे दिया जाएगा क्या तुम उसको बिजनेस का पीएल में दिखा पाओगे कभी दिखाए पर्सनल एक्सपेंस क्यों नहीं दिखाते है? क्योंकि सेपरेट एंटिटी लीगल ग्राउंड्स में अगर देखा जाए लीगल तो कंपनी ही सेपरेट लीगल एंटिटी होता है लीगल में जब लीगलिटी देखेंगे क्योंकि वहीं पे ओनरशिप अलग हाथों में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टरशिप अलग हाथों में जो चला रहा है जो लगा रहा है सो so, प्रोपेटर में मैं ही लगा रहा हूं मैं ही चला रहा हूं तो लीगली दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी बट और एक चीज बताता हूं लीगलिटी में कंपनी का टैक्स कंपनी खुद भरती है उसके बाद शेयर होल्डर में बंटवारा होता है प्रॉफिट लेकिन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का टैक्स प्रोप्राइटर खुद भरता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं भरता प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का आप अलग से एक नाम दे दीजिए एक्चुएटर्स अलग से मैंने हम लोगों ने नाम दे दिया बट उसका प्रोप्राइटर कौन है उसका टैक्स कौन भरता है मैं खुद भरता हूं अगर मैं इसको कर एक्चुएटर्स प्राइवेट लिमिटेड या एक्चुएटर्स लिमिटेड तब क्या होगा एक्चुअट प्राइवेट लिमिटेड एक्चुएटर्स लिमिटेड पहले भारत सरकार को टैक्स देगा अलग से इसका पैन नंबर निकलेगा Actuators का अलग से कोई पैन पैन कार्ड कार्ड नहीं है प्रोपराइटर के नाम पे है पैन कार्ड प्रोपराइटर के नाम पे उसका टैक्स प्रोपराइटर भरता है लेकिन कंपनी का टैक्स कंपनी खुद भरेगा तो अगर लीगल ग्राउंड्स में आप देखेंगे तो खाली कंपनी को ही सेपरेट एंटिटी माना जाता है इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी बट एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्ण फॉर अकाउंटिंग पर्पस शोल प्रोपराइटर हो पार्टनरशिप हो कंपनी हो ओनर एंड इट्स बिजनेस एंटिटी यहां पे मैं लीगली लिख लीग देता हूं लीगली खाली देखा जाएगा तो कंपनी बट अगर मैं अकाउंटिंग का बात करूं तो ओनर एंड इट्स बिजनेस एंटिटी विल बी रिगार्डेड एज सेपरेट एंटिटी दोनों जन को सेपरेट माना जाएगा तो अपन जो भी प्रॉफिट का बात करें किसका प्रॉफिट का बात करें ओनर का कि बिजनेस का बिजनेस का इसका मतलब ओनर कहीं पे नौकरी भी करता है वहां से उसको सैलरी भी मिलता है क्या वो सैलरी यहां पे कंसीडर होगा नहीं बिजनेस का प्रॉफिट हमारा कुछ कुछ ओनरशिप का जगह वहां से हमको भाड़ा मिलता है उससे क्या लेना देना उसको बिजनेस एक्टिविटीज को क्या लेना देना है एक्चुएटर्स का प्रॉफिट आएगा हमारे में रेंटल इनकम आएगा हमारे में उसको मिला के हम भारत सरकार को टैक्स देंगे अगर एक्चुएटर्स प्राइवेट लिमिटेड होता तो एक्चुएटर्स प्राइवेट लिमिटेड टैक्स दे चुका है उसके बाद जो बंटवारा होगा उस पर हमको टैक्स देने का कोई दरकार नहीं नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ये तुम लोग आगे जाके टैक्सेशन में सीखोगे तो लीगली अगर देखा जाएगा इन द आई ऑफ लॉ कानून के नजर में खाली कंपनी को ही सेपरेट माना गया है बट जब हम अकाउंटिंग करेंगे ओनर एंड इट्स बिजनेस एंटिटी विल बी रिगार्डेड ए सेपरेट एंटिटी तो जब भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड का बात करेंगे किसके व्यू पॉइंट से बात करेंगे वेरी गुड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा हम लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो किसका इनफ्लो आउटफ्लो देखना है किसका एक्सपेंस इनकम देखना है तभी ना प्रॉफिट आएगा राइट इनफ्लो आउटफ्लो एक्सपेंसेस इनकम फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सब बिजनेस का देखना है हमको और किसी का नहीं देखेंगे हम इनफ्लो आउटफ्लो एक्सपेंस इनकम सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का देखना है यस और नो एवरीथिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर कोई पर्सनल एक्सपेंस आर पेड फ्रॉम बिजनेस कैश इट विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स सिंपल ओनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो अलग से कैपिटल ऑब्लिगेशन माना जाएगा क्योंकि सेपरेट है ना बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है वो ओनर अगर विड्रॉ draw करेगा ड्रॉइंग्स माना जाएगा कैपिटल से एडजस्ट करेंगे गॉट माई पॉइंट तो इन अजामशंस के बिना अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है इज इट पॉसिबल टू डू अकाउंटिंग इन इन अजामशंस के बिना कभी भी नहीं पॉसिबल ही नहीं है लीगली खाली कंपनी सेपरेट है लेकिन अकाउंटिंग करते वक्त सारे बिजनेस एंटिटी ओनर से अलग माने जाएंगे बिजनेस का इनफ्लो आउटफ्लो देखना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है लिखा रहेगा मिस्टर रमेश परचेज गुड्स इसका मतलब ये नहीं कि रमेश का बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है रमेश का बिजनेस का बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है गॉट माई पॉइंट हाँ जो भी इन फ्लोर फ्लोर देखना है सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है पर्सनल एक्सपेंस अगर बिजनेस से दिया जाएगा तो उसको ड्रॉइंग्स बोल के दिखाएंगे बिजनेस एक्सपेंस बोल के नहीं दिखाएंगे चार माले का बिल्डिंग है फर्स्ट फ्लोर में शॉप है सेकेंड फ्लोर में गोडाउन है थर्ड फ्लोर में ऑफिस है फोर्थ फ्लोर में मेरा रेसिडेंस है पूरा भाड़ा अस्सी हजार दिया है मैंने प्रॉपर्टी का बिजनेस का एक्सपेंस कितना साठ हजार क्योंकि आउट ऑफ फोर फ्लोर्स आई एम यूजिंग ओनली थ्री फ्लोर फॉर बिजनेस तो आउट ऑफ एंड सिक्सेंड इज बिजनेस एक्सपेंस बाकी ट्वेंटी थाउजेंड को क्या बोल के दिखाएंगे ड्रॉइंग्स अगर पैसा बिजनेस से दिया गया है अगर लैंडलॉर्ड को साठ हजार बिजनेस से दिया गया बीस हजार पर्सनल बैंक अकाउंट से दिया गया है तब मतलब नहीं है लेकिन अगर पूरा अस्सी हजार बिजनेस से दिया गया है, तो साठ हजार ही पीएल में आएगा एक्सपेंस बोल के बाकी बीस हजार में दिखाएंगे तो अगर ये नहीं होता तो लोग क्या करते दिखा दे अस्सी हजार मैं अपने बच्चे का फीस देता हूं उसको मैं ड्रॉइंग्स बोल के दिखाया हूं गॉट माई पॉइंट इज दैट क्लियर हाथ तो अगर ये अजम्स नहीं होता तो हम लोग अकाउंटिंग भी नहीं कर पाते इस प्रकार और भी कई सारे और भी कई सारे अजम्पन्स हैं ठीक है लेकिन उसके पहले कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज जानना जरूरी है सर आज हम लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट निकालना है क्या निकालना है प्रॉफिट इनकम माइनस एक्सपेंस सिंपल और हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन का फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली बताता है आपके एसेट्स कितने हैं और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है एज सिंपल एज दैट आपके एसेट्स कितने हैं और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है तो एज ए रिजल्ट हमको एक्सपेंस का मीनिंग जानना है इनकम का मतलब समझना है एसेट्स का मतलब समझना है लाइबिलिटीज का मतलब समझना है किसका एक्सपेंस इनकम एसेट लाइबिलिटी का बात हो रहा है बिजनेस का गॉट माई पॉइंट तो लाइबिलिटी का मतलब लाइबिलिटी का मतलब सिंपल समझ लो बिजनेस का ऑब्लिगेशन बिजनेस का ऑब्लीगेशन जैसे ओनर ने पैसे लगाए बिजनेस में आज नहीं तो बिजनेस को, को चुकाना है दोनों अलग अलग है ना हा आज आप जब ओनर विड्रॉ करता है या पर्सनल एक्सपेंस का पेमेंट करते हो तो आप उसको कैपिटल से एडजस्ट क्यों करते हो आप ऑब्लीगेशन कम करते हो क्योंकि ओनर हैज ऑलरेडी विड्रॉन किसी बैंक से लोन लिए डोंट यू थिंक इट इज ये पे कहीं पे पुचका खा लिया खड़ा होकर बीस रुपए का डोंट यू थिंक इट इज ऑब्लीगेशन टू पे ट्वेंटी रुपीज यस और नो हा सो so, लाइबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है ऑब्लिगेशन क्या योर obligations, तुम्हारा ऑब्लिगेशन obligation कितना है यह देखना बहुत जरूरी है आज मैंने दो करोड़ का घर तो ले लिया लेकिन उसमें एक करोड़ अस्सी लाख बैंक का है आज भी बीस लाख ही मेरा है कल को कमाऊंगा उस कमाए हुए पैसे में से चुकाऊंगा अपनापन घर में भरता जाएगा बाहर का शेयर कम होता जाएगा इसके पास तो इतने बड़े बड़े घर हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। उसको देख के मत चमको उसको बोलो अपना बैलेंस शीट दिखाएगा तब समझ में आएगा पांच हजार करोड़ का एसेट है तो बगल में चार हजार करोड़ का लोन भी है तब जाके तुम्हारा औकात मालूम पड़ेगा फाइनेंशियल पोजिशन एसेट का मतलब होता है रिसोर्सेस ऐसा रिसोर्स जिससे आप फ्यूचर में कमाएंगे अभी तक आपने इसे कमाया नहीं है राइट रिसोर्सेस विच विल हेल्प यू टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर सिंपल एसेट का सिंपल मीनिंग होता है रिसोर्सेस जैसे क्लोजिंग स्टॉक जो दो पीस बच गया वो क्या है तुम्हारे लिए एसेट है ना इसे तुम फ्यूचर में कमाओगे आया ना ये प्रोजेक्टर क्या है तुम्हारे लिए एसेट है इसे मैं फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड करूंगा अच्छा इसका मतलब इसका लाइफ मोर देन वन ईयर है मैं बोल सकता हूं मैं जो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं क्या वो मेरे लिए एसेट है हाथ थ्योरेटिकली देखा जाए तो हाँ वो लोग मेरे लिए एसेट है वो लोग मेरा स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिजाइन कर दिए हैं अपना बुद्धि से उससे कंपनी फ्यूचर में कमाएगी बट हमारा अकाउंटिंग उतना डेवलप अभी हुआ नहीं है आवर अकाउंटिंग इज नॉट दैट डेवलप्ड एज ऑफ नाउ आपके बच्चे जब पढ़ाई करेंगे ना तब देखिएगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ जाएगा आज जो ये नॉलेज है इसकी कोई कीमत है आप निकाल नहीं पाएंगे मेरे बुद्धि का वैल्यू आप कर नहीं पाएंगे मेरा एक्सपीरियंस का तजुर्बा आप कर नहीं पाएंगे तो आप क्या करते हैं इनको रखना है तो इनको एक बढ़िया सा घर देना होगा इनको एक बढ़िया गाड़ी देनी पड़ेगी इनके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई देनी पड़ेगी इनका मेडिकल अ, मेडिकल पॉलिसी करवाना पड़ेगा तो कंपनी उन सबका टोटल लगाती है चलो इनको जो घर दिया उसमें इनकी किस्ती आएगी एक लाख रुपए जो गाड़ी दी उसकी आएगी पच्चीस हजार रुपए इनके बच्चे पढ़ेंगे उसकी आएगी महीने की दस हजार की खर्चा इस तरीके से वो लोग एस्टिमेट करते हैं मेरा खर्चा कि इसको क्या चाहिए भैया तुमको ढाई लाख रुपए महीने देंगे यहां नौकरी कर लो तो अभी मेरा डे टू डे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है वो लोग लेकिन मैं उनके लिए मेन एसेट हूं मेरा काम किया हुआ सिस्टम से वो लोग कमा रहे हैं मैंने जो सिस्टम डेवलप करके दिया है इसीलिए बहुत सारी कंपनी आगे जाके अपने एम्प्लॉ को पार्टनर बना लेती है उनको शेयर दे देती है अपनी कंपनी का ये लीजिए आज से हम लोग कंधा से कंधा मिला के चलेंगे तो हम जो सैलरी जो पे करते हैं आज के दिन पे हमारे लिए एसेट नहीं है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज नॉट इन टू पिक्चर इन सब चीजों को हम एसेट मानते हैं बट जीता जागता इंसान जिससे आप कमा रहे हैं वो आपके लिए एसेट नहीं है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट टूल ही नहीं है कि मैं इस आदमी का एक्सपीरियंस स्किल इंटीग्रिटी क्वालिटी इसका ऑनेस्टी को मेजर कर सकूं मैं जिस ईमानदारी से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं उसका कोई कीमत नहीं है मैं तुम्हारे लिए खर्चा बचा के दे रहा हूं उसका तुम्हारे नजर में कोई कीमत नहीं है तुम अभी तक मेरे को उतना ही दे रहे हो जितना मैं अपना दिनचर्या निकाल सकूं घर का ई दे पाऊं गाड़ी का ई दे पाऊं बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ा पाऊं साल में दो ट्रिप फॉरेन मार लूं बुढ़ापा के लिए साल में हर साल एक डेढ़ लाख रुपए का पीपीएफ में जमा कर लू पैसा पांच हजार रुपया महीने का म्यूचुअल फंड कर लू इतना ही तनखा तुम मेरे को दे रहे हो तुम मेरे को ऐसे बोल के नहीं देते हो ये लीजिए आपका घर का ये लीजिए आपका गाड़ी का तुम इनको कॉम्पोजिट देते हो वो कॉम्पोजिट मैं तुमसे सुनता हूं फिर मैं अपने घर आता हूं मैं अपना खर्चा मेरा साढ़े तीन लाख रुपया महीने है तुम हमको तीन लाख रुपया ऑफर कर रहा हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे और जाएंगे तो कॉम्प्रोमाइज करके जाना पड़ेगा सिंपल फंडा है अभी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आया नहीं है जब आएगा तब बात करेंगे तो ह्यूमन आर ऑल्सो एसेट अभी तुम इन कंप्यूटर्स को यह कंप्यूटर का मैंने खरीद के रख दिया काम कर देगा क्या है अभी एक आदमी लगा ना इसको चलाने के लिए एक आदमी है ना जो इसमें लिख रहा है जो इसका प्रयोग कर रहा है ऐसे ही हो जाएगा है तो कंप्यूटर को बोल देते क्लास ले लेगा कल से नॉट पॉसिबल ह्यूमेंस आर द मेन एसेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेन रिसोर्सेज बट हमारे पास कोई मेजरिंग टूल नहीं है जैसे मोनिस्टी इंटीग्रिटी इन सब चीजों को मेजर कर पाए तो एज ऑफ नो हम जो देते हैं उनको उसको एक्सपेंस के दिखाते हैं इनकम मतलब सिंपल या तो मैं कोई चीज बेच रहा हूं या मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं एक्सपेंस मतलब परचेस कर रहा हूं क्या गुड्स जिसको मैं बेचने के लिए खरीदा हूं। क्योंकि एसेट खरीदूंगा जिसका लाइफ मोर देन वन ईयर है जिसको मैं यूज कर रहा हूं कमाने के लिए वो मेरा एसेट कैटेगरी में आएगा वो मेरा एक्सपेंस कैटेगरी में नहीं आएगा एक्सपेंस में मेरा ऑफ़ गुड्स आएगा, गुड्स और एसेट में फर्क है गुड्स होता है जो मैं रीसेल के लिए खरीदा हूं एसेट होता है जो मैं यूज के लिए खरीदा हूं। जिसकी मदद से मैं कमा रहा हूं मैं स्विगी वाला हूं मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदा है बताओ मेरे लिए मोटरसाइकिल एक्सपेंस है कि एसेट है एसेट है साल से साल उसी राइट में बैठ के मैं जगह जगह डिलीवरी करूंगा मैं कमाऊंगा उससे तो मेरे लिए एसेट हो गया इट इज हेल्पिंग मी इन प्रोवाइडिंग सर्विस पेट्रोल जो भर रहा हूं मैं उस पर एक्सपेंस हर एक डिलीवरी में मेरे को तेल भराना पड़ेगा या टंकी फुल करा लूंगा आज का सारा दिन का काम हो जाएगा कल फिर डिलीवरी करना है कल फिर खर्चा करना पड़ेगा राइट right? तो या तो परचेज ऑफ गुड्स रीसेल अगर होगा तो तो वो एक्सपेंस माना जाएगा अगर मैं कई बार सर्विस रिसीव कर रहा हूं जैसे मैं एम्प्लॉय का सर्विस रिसीव कर रहा हूं उसको सैलरी दे रहा हूं किसी का जगह यूज कर रहा हूं उसको रेंट दे रहा हूं किसी का पैसा यूज कर रहा हूं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं तो सर्विस अगर मैं रिसीव करता हूं तो वो भी मेरे लिए खर्चा माना जाएगा अगर मैं सर्विस रिसीव करूंगा वो भी मेरे लिए खर्चा माना जाएगा तो सिंपल मीनिंग समझ में आ गया एक्सपेंस इनकम एसेट लाइबिलिटी चार अकाउंटिंग टर्म आपको जानना है इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे आपका प्रॉफिट आ जाएगा और एसेट लाइबिलिटी से आपको औकात मालूम पड़ जाएगा कि इस एसेट में आपका अपना कितना है पराया कितना है ठीक है अभी ध्यान दीजिएगा सपोज करते हैं एक्सपेंस का मैं थोड़ा एक बार डिटेल में आपको बताता हूं एक्सपेंस होता क्या है आपने सर्विस लिया उसको मैं एक्सपेंस बोल रहा हूं येस और नो तो एक्सपेंस का मतलब हो गया या तो परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव्ड या तो परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव्ड ठीक है अभी देखिए मैं आपको बताता हूं दूसरे एंगल से समझाता हूं मैं क्या बोल सकता हूं बेनिफिट डिराइव्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड मैं इस साल जो बेनिफिट डिराइव करूंगा वो मेरे लिए खर्चा माना जाएगा मैंने दस खरीदा था आठ बेचा दो बच गया ना क्या वो दो का आपने बेनिफिट डिराइव किया तो आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया क्लोजिंग स्टॉक एसेट जो आठ आपने बेनिफिट डिराइव कर लिया जिसको बेच दिया जिससे कमा लिया उसको आपने सेल से माइनस किया ना ये देखिए यहां पे खर्चा आप कितने को दिखा रहे हैं दो तो कैरी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। इसको आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं यही तो आपका एक्सपेंस हुआ ना तो जितना बेनिफिट आप इस साल डिराइव कर लेंगे वो आपके लिए क्या माना जाएगा जो बेनिफिट आप नहीं डिराइव कर पाए वो आपके लिए क्या माना जाएगा सिंपल फंडा है ठीक है तो सपोज करिए मैंने रेंट पेड है हमारा एक लाख दस हजार और रेंट पर मंथ है दस हजार रुपया रेंट पेड़ एक लाख दस भाड़ा है तो आप मेरे को बताइए एक्सपेंस टू बी एक्सपेंस टू बी शोन इन पी एल कितना एक्सपेंस टू बी शोन इन पीएल मतलब अकाउंटिंग पीरियड क्या आपका देखो बेनिफिट डिराइव इन एन अकाउंटिंग पीरियड मतलब बारह महीना हा है ना बेनिफिट डिराइव इन अकाउंटिंग पीरियड कितना बारह महीना तो उस हिसाब से आपका खर्चा आएगा एक लाख बीस हजार अभी आपने पे कितना किया पेड इन एन अकाउंटिंग पेड कितना एक लाख दस तो डोंट यू थिंक कि आपको दस हजार देना है देना है ना तो इसको क्या बोलेंगे आप लाइबिलिटी बोलेंगे उसी लाइबिलिटी का नाम क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट ये और नो आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब बेनिफिट ड्राइव बट नॉट येट पेड दस हजार क्लियर हो गया ना एग्जाम्पल टू सेम एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने भाड़ा दिया एक लाख तीस हजार तो बताइए पीएल में रेंट कितना आएगा एक लाख बीस हजार लेकिन आपने पेमेंट कितना किया तो इसका मतलब पेड बट बेनिफिट नॉट येट डिराइव्ड इन एन अकाउंटिंग पेड इस साल आपने बेनिफिट डिराइव नहीं किया तो उस चीज को आप क्या बोलेंगे प्रीपेड रेंट एडवांस पेड तो ये आपके लिए क्या माना जाएगा एसेट माना जाएगा हाँ या ना तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग एसेट बेनिफिट ड्राइव नहीं हुआ तो देख रहा है अकाउंटिंग पीरियड का कितना बड़ा रोल है यहां पे जितना बेनिफिट ड्राइव कर लिया इस साल वो तुम्हारे लिए खर्चा माना जाएगा बाकी का फिर कंपेयर करके देखना पड़ेगा कितना पेमेंट किया ज्यादा पेमेंट किया है तो प्रीपेड कम पेमेंट किया है तो आउटस्टैंडिंग तो अगर ये अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता तो क्या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता आज अगर अकाउंटिंग पेड नहीं होता तो क्या ये होता नहीं होता ना तो ये एक्सपेंस को मैं अलग अलग तरीके से आपको समझा रहा हूं कि जो बेनिफिट हमने डिराइव किया उसको खर्चा दिखाओ बाद में उसको पेमेंट के साथ में कंपेयर करेंगे अभी नहीं नॉट नाउ क्लियर सपोज करो मैंने एक फर्नीचर खरीदा है एक लाख रुपए का इसकी लाइफ है पांच साल कितनी है पांच साल बताइए ईयर वन में एक्सपेंस कितना पांच साल इसे बेनिफिट ड्राइव करेंगे पांच साल इसको यूज करके कमाएंगे हा है ना पांच साल बाद इसका इकोनॉमिक सब्सटेंस जीरो हो जाएगा इसमें दिमाग लग जाएगा भसम हो जाएगा पांच साल बाद किसी बाबा ने बोला है पांच साली जिंदगी है इसकी सर आपको कैसे मालूम छह साल चल गया तो भैया अनुमान है अकाउंटिंग में जगह जगह अनुमान है अनुमान के बिना अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है विदाउट दिस लाइफ एस्टिमेशन सर हु टोल्ड यू फाइव इयर्स माय सप्लायर या मैंने इसको पहले खरीदा है राइट right? तो एक्सपेंस मतलब बेनिफिट ड्राइव इन एन अकाउंटिंग पीरियड एक साल में मैंने बीस हजार का बेनिफिट ड्राइव कर लिया इसी एक्सपेंस को लोग प्याल से क्या बोलते हैं डेप्रीशियन हर एक एक्सपेंस का नाम है किसी का पैसा यूज करेंगे बदले में जो उसको देंगे उसको ब्याज बोलते हैं इंटरेस्ट किसी का जगह यूज करेंगे बदले में जो उसको देंगे उसको बोलेंगे रेंट एक्सपेंस किसी का सर्विस यूज करेंगे बदले में उसको जो देंगे सैलरी कोई मेरा बाजार में अ, मेरा प्रचार कर रहा है बदले में उसको बोलेंगे एडवर्टीजमेंट हर एक का अलग अलग नाम है ना तुम लोग सभी का नाम अगर राम होता तो सभी खड़ा हो जाता गॉट माई पॉइंट तो हमने बीस हजार का बेनिफिट ड्राइव कर लिया एसेट बताओ बेनिफिट येट टू बी डिराइव कितना है अट्टी थाउजेंड तो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे बेनिफिट येट टू बी डिराइव अगेन ईयर टू में ईयर टू का खर्चा कितना बीस हजार वापस एसेट कितना घर में ऐसे ही खेलते रहना एकदम सिंपल है या ना तो सर आपने बताया अकाउंटिंग में काफी सारा जम्शन होता है अल्टीमेटली ये चार चीज का मीनिंग हमको जानना है मोटा मोटे पिक्चर क्लियर हो गया अकाउंटिंग पीरियड बिना होगा नहीं मॉनेटरी वैल्यू बिना होगा नहीं सेपरेट लीगल एंटिटी बिना होगा नहीं ये तीन तो मस्ट लेना ही चाहिए अकाउंटिंग पीरियड नहीं होगा तो आउटस्टैंडिंग पीरियड भूल जाओ मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगा तो बिना बंद बंद वाला जो टीवी है जो बंद करने वाला टीवी है उसको भी कैसे रिकॉर्ड करें कर ही नहीं पाएंगे फिर बैलेंस शीट में टीवी बगल में क्वेश्चन मार्क वैल्यू कांट डिटरमाइन और कोई ऑप्शन नहीं है गॉट माई पॉइंट तो यह सारे टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग जानना होगा एक्सपेंस क्या होता है इनकम क्या होता है एसेट क्या होता है ऑब्लिगेशन क्या होते हैं फिर एक्सपेंस को मैंने आपको समझाया डिफरेंट तरीके से जो बेनिफिट हम इस साल डिराइव कर लेंगे वो हमारे लिए खर्चा का फिगर माना जाएगा कम तो आउटस्टैंडिंग ज्यादा दे दिया तो प्रीपेड बेनिफिट येट टू बी डिराइव आने वाले साल का भी मैंने दे दिया इज दैट फाइन अभी एक बहुत छोटा सा आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट एक और प्रिंसिपल है जिसके बे, जिसके बेसिस पे पूरा प्रोसेस फिर हम लोग समझेंगे प्रोसेस है ना मैं एक बार बिना प्रोसेस के आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाता हूं सिंपल ठीक है सो so ये हमारा है पॉइंट नंबर ये वन टू थ्री हो गया उसके बाद हमने आपको प्रॉफिट समझाया ये सब समझाया अभी मैं आपको अगेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में लेके आता हूं इसी के बेसिस पे पूरा अकाउंटिंग टिका हुआ है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है जबी भी एक्सचेंज होगा राइट आप कुछ रिसीव करेंगे बदले में कुछ देंगे रिसीविंग रिसोर्स बदले में गिविंग सोर्स मैंने तुमसे कुछ सामान खरीदा है सामान हमारा रिसीविंग हो गया बदले में हमने पैसे दिए वो हमारा गिविंग हो गया सिंपल और क्या हो सकता है सामान हमारा रिसीविंग हो गया पैसे जो हमने दिए हमारा गिविंग हो गया तो ये एक सिक्के की दो पहली होते हेड एंड टेल वैसे ही एक ट्रांजैक्शन में एक होगा हमारा गिविंग एस्पेक्ट एक होगा हमारा रिसीविंग एस्पेक्ट गिविंग एस्पेक्ट को हम बोलेंगे सोर्स कौन दिया क्या मिला इसी को अगर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रिसोर्स को अपन बोलते हैं एसेट हाँ या ना रिसोर्स को अपन बोलते हैं एसेट और जो पैसा देता है वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी हाँ ना अभी हम लोग इसको और ट्रांसफॉर्म करेंगे एसेट्स लाइबिलिटी में भी दो होते हैं एक अपना और एक पराया पैसा अपना पैसा को अपना बोलते हैं कैपिटल ये भी हमारा बिजनेस के लिए ऑब्लिगेशन है और पराया पैसा को हम लोग बोलेंगे लाइबिलिटीज क्या बोलेंगे लाइबिलिटीज एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इसी इक्वेशन को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा अकाउंट इसी पे टिका हुआ है ये जो भी रूल्स बनाया गया है जर्नल का डेबिट क्रेडिट पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बट बत ये डिफरेंट प्रोसेस है इसमें आप सिंपल तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं पूरे साल में वहां पे आप ये वाला इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे आपको प्रॉपर एक प्रोसेस डबल एंट्री का सिस्टम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा तो वो प्रोसेस इसी इक्वेशन पे बेस्ड है सो हर एक ट्रांजेक्शन में एक रिसीविंग एस्पेक्ट होता है राइट हर एक ट्रांजैक्शन में एक रिसीविंग एस्पेक्ट होता है और एक गिविंग एस्पेक्ट होता है रिसीविंग मतलब रिसोर्सेज उसको आप एसेट बोल रहे हैं गिविंग मतलब सोर्स आपका ऑब्लिगेशन हो गया आपको तो 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 चुकाना है आज नहीं तो कल एसेट इक्वल्स चुका लाइबिलिटी में दो तरह का क्लासिफिकेशन है इसी को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं पूरा अकाउंट्स इसी पे बेस्ड है अभी मैं आपको दिखाता हूं जैसे सपोज करिए कैश Introduced into business एक लाख कैश इंट्रोड्यूस्ड इंटू बिजनेस वन लैख बताइए इक्वेशन में कैसे फिट होगा क्या मिला है आपको बिजनेस में क्या आया है कैश असेट कितना एक लाख किसने दिया सोर्स क्या है ओनर कैपिटल कितना एक लाख हो गया बराबर ये जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे ये इक्वेशन हमेशा बराबर होगा अकाउंटिंग इक्वेशन ये कभी भी फेल नहीं होगा आपका फर्नीचर परचेस्ड रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड इन कैश तो फर्नीचर भी एक रिसोर्स है या ना फर्नीचर भी आपका एक रिसोर्स है तो यहां पे कोई सोर्स नहीं है एक रिसोर्स दिया बदले में दूसरा रिसोर्स ले लिया तो अभी देखेंगे आप दोनों साइड में चेंज आ रहा है एसेट भी बढ़ा लाइबिलिटी भी बढ़ा लेकिन अब की बार क्या हो रहा है एक एसेट बढ़ रहा है दूसरा एसेट गिर रहा है तभी भी इक्वेशन बराबर होगा तो अभी चेंज क्या आएगा कैश एसेट कितना हो जाएगा अस्सी हजार प्लस फर्नीचर एसेट कितना ट्वेंटी थाउजेंड और ये वाला कभी भी चेंज नहीं हुआ है वन लाख। जरूरी नहीं है दोनों साइड में चेंज होगा इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी एक साइड में भी चेंज आ सकता है इक्वेशन बराबर होना चाहिए लाख रुपया लाख रुपया टुक लोन रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इन कैश किसी से लोन लिया है मैंने बताइए क्या क्या चेंज आएगा कैश एसेट कितना हो जाएगा 130. फर्नीचर एसेट 20. कैपिटल एक लाख लोन लाइबिलिटी कितना 50,000. इस पैसे का सोर्स बैंक जो भी जो बंदा दिया लोन तो हर एक रिसोर्स का एक सोर्स दिख रहा है आपको इस फिफ्टी थाउजेंड का सोर्स आपका लोन है ना पक्का नेक्स्ट गुड्स परचेज फाइव पीस एट द रेट टेन थाउजेंड इन कैश तो गुड्स परचेज को हम लोग स्टॉक बोलेंगे हा स्टॉक भी हमारा एक टाइप का रिसोर्स है तो अभी क्या क्या चेंज आएगा पहला बात तो हमारा जो कैश रिसोर्स है वो कितना हो जाएगा वापस अस्सी हो जाएगा फर्नीचर जो एसेट है वो कितना हो जाएगा उतना ही रहेगा प्लस <laughs> स्टॉक कितना इक्वल्स टू ये अनचेंज रहेगा कैपिटल एक लाख लोन लाइबिलिटी फिफ्टी देखो तो बराबर हो रहा है क्या हाँ हा huh? तो ये हमारा इक्वेशन देखो चेंज हो रहा है लेकिन हमारा कभी भी ये ऐसा नहीं हो रहा है कि मैच नहीं कर रहा हो इसका खासियत ही है रिसीविंग गिविंग या तो बोथ साइड में चेंज आएगा बोथ साइड बढ़ेगा या बोथ साइड गिरेगा या सेम साइड इंक्रीज डिक्रीज होगा ऐसा हो सकता है उसी के बेसिस पे हमने वो डेबिट क्रेडिट का रूल बनाया तो पहले ये समझना होगा शोल टू शर्मा ऑन क्रेडिट थ्री पीस एट द रेट ट्वेंटी थाउजेंड इन कैश तो सबसे पहले हमारा पांच पीस स्टॉक था तीन पीस स्टॉक कम हो जाएगा शर्मा क्या है हमारा लिए शर्मा से पैसे मिलेंगे कि शर्मा को पैसे देने हैं तो एक रिसोर्स हमारा कम हो रहा है दूसरा रिसोर्स ऐसा कोई चीज जिससे बेनिफिट मिलेगा पैसे मिलेंगे वो भी तो एसेट है ना मेरे लिए तो शर्मा हमारा एक नया एसेट क्रिएट हो जा रहा है क्योंकि हमको उसे मिलेंगे पैसे जैसे लोन वाले को देना वैसे शर्मा वाले से लेना है लेकिन सर फर्क ये हो रहा है तीन पीस मतलब हजार। एक एक स्टॉक का दाम दस हजार था तो मेरा जो स्टॉक कम होगा वो तीस हजार से होगा लेकिन मेरी जो रिसोर्स बढ़ रही है वो साठ हजार से बढ़ रही है तो नेट इंक्रीज इन रिसोर्स कितना हुआ थर्टी थाउजेंड पर पीस का मेरा प्रॉफिट भी दस हजार है ये जो इंक्रीज इन रिसोर्स है इसका हकदार कौन है ओनर तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो किसको मिलेगा कैपिटल को मिलेगा सिंपल फंडा है क्योंकि खून कौन बहा रहा है ओनर पैसा किसका लग रहा है पसीना कौन बहाया खेत को सिंचा किस दें तो कमाएगा भी वही राइट right? तो बड़ा सिंपल फंडा है सर कैश हमारा अनचेंज्ड है अस्सी हज़ार पे फर्नीचर भी हमारा अनचेंज्ड है बीस हजार पे हमारा स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा तीस हजार से तो बीस हजार बचेगा हमारा स्टॉक में शर्मा हमारा एसेट है रिसीवेबल संड्री डेटर जिसको बोलेंगे साठ हजार से तो प्रैक्टिकली आप देखेंगे हमारा ये डिक्रीज हुआ कितने से थर्टी से और ये इंक्रीज हुआ सिक्सटी से, 60 से। तो नेट इंक्रीज इन एसेट कितना है तो नेट इंक्रीज इन एसेट पहले मैं लखपति था अब मैं करोड़पति बना चोरी किया कहीं डाका डाला कमाया ना तो वो कमाई कैपिटल में जाएगी तो तुमको एक लाख रुपया रकम तो चुकाना ही है उसका रकम को यूज करके जो तुम कमाए हो वो भी उसको दोगे हाया ना वन लाख यू हैव टू पे कैपिटल प्लस थर्टी थाउजेंड यू अर्न ऑन इज मनी सो दैट ऑल्सो विल गिव सो जो नेट इंक्रीज इन एसेट होता है नेट इंक्रीज इन एसेट इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं प्रॉफिट क्या बोलते हैं इसको हम लोग प्रॉफिट और वो जाएगा कैपिटल तो कैपिटल हो जाएगा वन लैख थर्टी लोन लाइबिलिटी कितना फिफ्टी 80 प्लस ट्वेंटी वन लैख प्लस ट्वेंटी ये वाला नहीं ये 80 प्लस ट्वेंटी वन लैख प्लस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी प्लस सिक्सटी वन एट्टी वन एट्टी और इधर में भी वन एट्टी आ गया एकदम सिंपल फंडा है तो कोई भी जितना भी ट्रांजैक्शन तुम लोग देखो हमेशा ये इक्वेशन बराबर ही रहेगा प्रोवाइड फाइव थाउजेंड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर तो आपने इस फर्नीचर से बेनिफिट डिराइव किया है तो जो बेनिफिट आपने डिराइव किया आप उसको क्या बोलते हैं एक्सपेंस तो भैया तुम ये जो प्रॉफिट लेके जा रहे हो तीस हजार प्रॉफिट तीस नहीं हुआ है प्रॉफिट कितना हुआ है पच्चीस हुआ है तो तीस हजार मैंने ऐड किया तुम ये नहीं कि तीस हजार अगले दिन विड्रॉ कर लोगे खर्चा भी है भैया तो क्या होगा कैश हमारा एट्टी रहेगा फर्नीचर कितना हो जाएगा रिसोर्सेस का वैल्यू बेनिफिट डिराइव्ड पांच हजार तो कम होगा ना वैल्यू एसेट का स्टॉक बीस शर्मा साठ इधर में कैपिटल कितना 125 लोन लाइबिलिटी कितना एकदम सिंपल फंडा है लेकिन सर हर एक ट्रांजैक्शन में यह चीज करना तो पॉसिबल नहीं है आज पांच ट्रांजैक्शन हुए दस ट्रांजैक्शन हुआ बीस ट्रांजैक्शन हुआ समझ में आता है इस तरीके से कर लेंगे लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन इस तरीके से एक प्रोसेस बनाई है तो हम लोगों ने प्रोसेस बनाया इसी इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को बेस करके हमने प्रोसेस बनाया कैसे प्रोसेस बना रूल मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले प्रोसेस समझिए तो हुआ क्या पहले यहां पे एसेट इंक्रीज हो रहा है आप ध्यान से देखिएगा इधर में एसेट इंक्रीज हो रहा है इधर में लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है ना इधर में एसेट डिक्रीज हुआ और एक एसेट बढ़ा इधर में भी एसेट इंक्रीज हुआ लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ इधर में एसेट इंक्रीज हुआ और एसेट डिक्रीज हुआ इधर में एक एसेट डिक्रीज हुआ एक एसेट इंक्रीज हुआ लेकिन नेक्स्ट में लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुआ इधर में एसेट डिक्रीज हुआ लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुआ कल को अगर लोन चुका देंगे लोन जीरो हो गया तो कैश थर्टी हो जाएगा तो अगेन मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ साथ में एसेट भी डिक्रीज हुआ है ना तो इसी इक्वेशन से हमने रूल rule बनाया रूल्स लेकिन उसके पहले आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा अकाउंटिंग का प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस क्या बोलता है पहले ट्रांजैक्शंस को खोजो खोज लिया इसको आप पहले जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे ये किस फॉर्म में है फिजिकल वाउचर्स इनको आपको अकाउंटिंग रूप देना है क्या देना है अकाउंटिंग शेप देना है मतलब इसको आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में लेके आना है लाने के बाद हर एक एक्सपेंस इनकम एसेट लाइबिलिटी को समराइज करेंगे समराइज करने के बाद आप बनाएंगे लेजर समराइज ठीक से हुआ है कि नहीं इसलिए आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस एंड फिर आप इसकी मदद से बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स प्रोसेस समझ गया इन फिजिकल वाउचर को आपको अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करना है लेजर में आपको सारे एक्सपेंस लेजर का समराइजेशन करना है टोटल करके नेट बैलेंस निकालना है फिर ट्रायल बैलेंस की ये प्रोसेस जो आपने किया ये सही है कि नहीं फिर इसकी मदद से एक्सपेंस एंड इनकम को डाल दीजिएगा पीएल में बैलेंस शीट में तो अभी अपने को क्या करना है ये जो है फिजिकल फॉर्म में इसका हमको रिसीविंग एस्पेक्ट मालूम है इसका हमको गिविंग एस्पेक्ट मालूम है रिसीविंग एंड गिविंग मालूम है हा है ना तो हम हर एक एक्सपेंस का एक एक लेजर अकाउंट खोलेंगे जैसे कौन सा एसेट आया गया कैसे मालूम पड़ेगा सबका अपना अपना खाता खुलेगा अच्छा इस पन्ना में कैश का हिसाब रखा जाएगा इसमें फर्नीचर का इसमें गुड्स का इसमें स्टॉक में इसमें कैपिटल इसमें लोन तो रूल क्या बनाया रूल्स बनाया गया फिर रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग बोला प्लस मतलब डेबिट माइनस मतलब क्रेडिट तो रूल क्या बनाया गया बोला एसेट इंक्रीज तो प्लस डिक्रीज तो माइनस कॉमन लॉजिक सिंपल एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट डिक्रीज बहुत कम केसेस में होता है अगर आप रिटर्न कर रहे हैं गुड्स तभी होगा राइट लाइबिलिटी इंक्रीज तो माइनस हो रहा है गिविंग एस्पेक्ट सोर्स चुकाना है जब चुका देंगे तो उसको पॉजिटिव करके जीरो कर दीजिए तो उसी कॉन्सेप्ट से इनकम को कर दिया ये लोग क्रेडिट और डिक्रीज में कर दिया डेबिट ये रूल जो हम लोग फॉलो करेंगे ये जब इन ट्रांजैक्शंस को हमको ऐसे जनरल में जब रिकॉर्ड करना है फिजिकल वाउचर को जब अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे ट माई पॉइंट ऐसे बार बार स्टॉक आया गया इसको बार बार छेड़ नहीं सकते इसलिए परचेस ऑफ गुड्स को एक्सपेंस दिखाओ सेल ऑफ गुड्स को इनकम दिखाओ और फिर स्टॉक अलग से जो बच जाएगा वो ईयर एंड में कैलकुलेट होगा तो ये लोग जो ये प्रोसेस बनाया इस प्रोसेस में अकाउंटिंग इक्वेशन इज लाइक दिस ऐसेट इक्वलिटी प्लस इनकम इनका इक्वेशन है छोटा छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ उसमें हम लोग ये सब चीज फॉलो करेंगे चल जाएगा लेकिन लाखों करोड़ ट्रांजेक्शन इस अकाउंटिंग इक्वेशन में बैठाना मुश्किल हो जाएगा इस अकाउंटिंग इक्वेशन का ड्रॉबैक है कि आपको टोटल एक्सपेंस के बारे में मालूम नहीं चलेगा टोटल इनकम क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन में आप कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं हाउ कैन यू कम टू नो टोटल एक्सपेंस हाउ कैन यू कम टू नो टोटल इनकम सो यू नीड टू डेवलप अ प्रोसेस यू नीड टू डेवलप सम रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग तो हर एक ट्रांजेक्शन में फिजिकल फॉर्म में जो है उसको अकाउंटिंग शेप देना है जितना भी अकाउंटिंग का टर्मिनोलॉजी है कैश फर्नीचर सबका एक एक पन्ना में हिसाब रखा जाएगा इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो फिर अपन एक फॉर्मेट बनाए उसको बोलते हैं आर्ट आर्ट है ना ये टी फॉर्मेट में लेजर बनेगा डेबिट साइड में इनफ्लो लिखेंगे क्रेडिट साइड में आउटफ्लो लिखेंगे सो so ये आर्ट हो गया सो so अकाउंटिंग को आर्ट भी बोला जाता है अकाउंटिंग को लैंग्वेज भी बोला जाता है अकाउंटिंग को साइंस भी बोला जाता है क्योंकि अपने इतना सारा जम्शन ले रहे हैं इतना सारा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं राइट सो ड्यूअल एस्पेक्ट में इजीली अकाउंटिंग हो जाएगा लेकिन छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन का जहां पांच छह दस पंद्रह बीस लेकिन लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है अगर आप कर भी लेंगे यू विल लैक डिस्क्लोजर यू विल लैक प्रेजेंटेशन यू वॉन्ट बी एबल टू शो यूर टोटल एक्सपेंस यू वॉन्ट बी एबल टू शो यूर टोटल इनकम Got my point. आप प्रॉपरली चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपको ये वाला अकाउंटिंग प्रोसेस में जाना पड़ेगा हमको मालूम है हर एक ट्रांजेक्शन में रिसीविंग एस्पेक्ट भी है गिविंग एस्पेक्ट भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं रूल्स बना लिया डेबिट क्रेडिट का डेबिट मतलब प्लस क्रेडिट मतलब माइनस कैश आएगा प्लस कैश जाएगा माइनस इंक्रीज डिक्रीज इसी से फिर एक्सपेंस का रूल बना इसका ऑपोजिट रूल लाइबिलिटी इनकम में लगा दिया सिंपल इस रूल्स को बोलते हैं हम लोग अमेरिकन अप्रोच क्या बोलेंगे एक हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल रियल नॉमिनल बट वो अपने फॉलो करके फायदा नहीं है अमेरिकन अप्रोच से करने से डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में आपको मालूम रहेगा क्या आपका लाइबिलिटी है क्या आपका इनकम है, है, है। डायरेक्टली आपको मालूम चल जाएगा तो डायरेक्टली आप एक्सपेंस इनकम को उठा के पीएल में डाल दीजिएगा एसेट लाइबिलिटी को उठा के बैलेंस शीट में डाल दीजिएगा पर्सनल रियल नॉमिनल में जाएंगे तो वापस से आपको रीक्लासीफाई करना पड़ेगा इज दैट फाइन एवरी वन तो कल हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम